जालना येथे बिस्मिल्ला हस्तशिल्प महिला बचत गटाच्या मेळाव्याचे उद्घाटन विकास क्रांती दलाचे उपाध्यक्ष जावेद मदार यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले. जालना येथे बिस्मिल्ला हस्तशिल्प महिला बचत गटाच्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्याचे उद्घाटन विकास क्रांती दलाचे उपाध्यक्ष तथा मुस्लिम कमिटीचे पदाधिकारी जावेद मदार यांच्या हस्ते करण्यात आले असून यावेळी महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. यावेळी बिस्मिल्ला हस्तशिल्प महिला बचत गटाच्या अध्यक्ष शेख जरीना शेख रहीम यांच्या हस्ते जावेद मदार यांचे स्वागत करण्यात आले. तसेच त्यांनी उपस्थित महिलांना बिस्मिल्ला हस्तशिल्प महिला बचत गटासंबंधी मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्याचबरोबर मुस्लिम कमिटीचे शहर सचिव सय्यद रुबीना यांनी देखील उपस्थित महिलांना मार्गदर्शन करत मुलांना शैक्षणिक सुविधा मिळण्यासंबंधित योजनांची माहिती करून दिली. या मेळाव्यात बहुजन एकता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कैलास बनकर, मुस्लिम कमिटीचे शहर सचिव प्रशांत मस्के, मुस्लिम कमिटीचे शहर सचिव सय्यद रुबीना, बिस्मिल्ला बचत गटाचे अध्यक्ष जरीना रहीम शेख आदींची उपस्थिती होती. तो उसमें आपको ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस होता है. फॉर्म भरना पड़ता है पहले, जिसमें आपके बच्चे को उम्र के 14 साल तक, आप जैसे कि अभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हो लेकिन अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है, रिश्तेदार अपनी नहीं है, और हमारी ख्वाहिश है, अपने बच्चे की भी ख्वाहिश रहती है कि पढ़े अच्छा से अच्छा. वो खुद कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, लेकिन हालात की वजह से हम लोग नहीं पढ़ा सकते. तो उसके लिए RTE यानी राइट टू एजुकेशन, सबको शिक्षण मिलना चाहिए, उसका ये मीनिंग है. तो इसके ये फॉर्म अगले महीने से शुरू होने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ आधा 1 लाख का इनकम का उसमें लिमिट है, या हो सकता है अभी अगर बढ़ाया तो वो आपको बताया जाएगा. तो यहाँ पे जो जाएगा, जब इसका शुरुआत करेंगे सेंटर्स का, तो वहाँ पे ही आपका शुरुआत होगी फॉर्म की. तो वहाँ पे आपको बच्चे का नाम और आपका घर का जो पूरा एड्रेस है और आपका फोन नंबर ये देना पड़ता है. और उसका जो बाकी का प्रोसेस है वो ये आपको उस समय हम बताएंगे. तो उसमें आपको फॉर्म भरना है, सभी ने उम्र है उसमें 3.5 से 7 साल के अंदर. तो आपके बच्चों का अगर पल्ली में एडमिशन होता है तो आपको 14 साल तक डोनेशन देना नहीं पड़ता है या कोई फीस, ये पूरा गवर्नमेंट पे करती है.